पटना से पाकिस्तान टू ये फिल्म किसकी होगी, दिनेश लाल यादव निरहुआ की या खेसारी लाल यादव की, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, पटना से पाकिस्तान ये फिल्म सबसे पहले खेसारी लाल यादव की थी, लेकिन किसी कारणवश पटना से पाकिस्तान फिल्म को दिनेश लाल यादव निरहुआ को दे दिया गया और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने पटना से पाकिस्तान फिल्म को बनाया और सुपर डुपर हिट हुई, यानी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और पटना से पाकिस्तान फिल्म को बहुत सारा अवार्ड भी मिला। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, चौंकाने वाली खबर है कि प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा ने एक खुलासा किए हैं मीडिया में कि पटना से पाकिस्तान 2 फिल्म का टाइटल मेरे पास है, यानी प्रदीप के शर्मा पटना से पाकिस्तान 2 फिल्म को बनाने वाले हैं। और पटना से पाकिस्तान 2 ये फिल्म किसको मिलेगी ये अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। बिंदास भोजपुरिया चैनल वाला ने पूछने का कोशिश किया है लेकिन प्रदीप के शर्मा ने साफ साफ खुलकर नहीं बोले हैं। हो सकता है पटना से पाकिस्तान 2 फिल्म खेसारी लाल यादव को भी मिल सकता है या तो दिनेश लाल यादव निरहुआ। बाकी आप सभी का क्या कहना है, पटना से पाकिस्तान 2 किसको मिलना चाहिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को या खेसारी लाल यादव को? बाकी हमारे हिसाब से जिसका पहला पार्ट है उसको ही दूसरा पार्ट मिलना चाहिए और देशभक्ति के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ फिट बैठते हैं क्योंकि इनकी आवाज बहुत ही दमदार है। बाकी जैसा अपडेट आएगा आप सभी को दिया जाएगा। हाँ तो दोस्तों ये रहा छोटा सा अपडेट, आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो जितना लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।